नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे प्रॉपर आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि आप थोड़ा कम निकालें, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा निकालें, लेकिन पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। से सामने आप देख रहे हैं, ये हमारा है फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर। सही है, ये फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर है। यहाँ मैंने क्या डाला है, एक अमाउंट मैंने लिया है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ में अगर मैं करंट का इंटरेस्ट रेट डालता हूँ, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं अभी 7% के आसपास हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और यहाँ मैं पीरियड डाल देता हूँ 1 ईयर, तो 1 साल के बाद मेरा जो पैसा है वो कितना हो जाएगा, 1,07,000। लेकिन मैंने क्या बोला कि 34%, अगर मैं 34% CAGR रिटर्न निकाल सकते हैं तो हमारा 1 लाख रुपये का कितना हो जाएगा, 1,34,000। सही है, 1,34,000। तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हैं कि अगर हम 10% निकालते हैं एनुअल तो कितना होता है, 15% निकालते हैं तो कितना होता है, ये कैलकुलेटर हमें बता दे रहा है। सही है, अभी मैं आ जाता हूँ इधर नीचे। अब यहाँ मैंने क्या ले लिया है, ईयर ले लिया है 1 साल। इन्फ्लेशन की पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, आने वाले टाइम में भी महंगाई बहुत तेज़ बढ़ेगी। तो हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, हमें क्या करना है, इन्फ्लेशन को हमने बीट करना है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी थोड़ा समझ में आएगा आपके, और क्या नहीं हमें करना चाहिए ये भी आपको समझ में आएगा। सही है, तो मैंने इन्फ्लेशन का एवरेज ले लिया है कि 6% के आसपास अगर सालाना इंटरेस्ट हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर अगर 6% के हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है और हम 1 लाख रुपये पे अगर पकड़ते हैं इन्फ्लेशन 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 1 लाख रुपये जो आज हमारे पास है उसे इन्फ्लेशन की वजह से वो उसकी वैल्यू कम से कम 1,06,000 होनी चाहिए। 1,06,000 होनी चाहिए। अगर 1,06,000 भी नहीं बना पा रहे हैं हम, तो इसका मतलब है कि हम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। सही है, अगर हम 1 लाख का 1,06,000 भी नहीं बना पा रहे हैं तो हम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। सही है, सेकेंड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि अगर हम FD करते हैं बैंक में, अगर हम FD करते हैं फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तब क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, इसे भी समझिएगा। तो मैं यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट ले लेता हूँ। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कितना है हमारा, फिक्स डिपॉजिट का अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो ये हमारा बैठता है करीब 7% के आसपास, अगर मैं करंट देखता हूँ तो। काफ़ी पहले अगर हम बात करेंगे, कुछ महीने पहले तो और भी कम था, लेकिन अभी 7 के आसपास हमें मिल जाता है। तो यहाँ भी हम अमाउंट 1 लाख रुपये ले लेते हैं। 1 लाख रुपये में अगर 7% से हमें कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट रिटर्न हमारा बनता है 1 साल में, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वल टू, और दिस अमाउंट इनटू इनटू यहाँ पर आएगा इनटू 1.07, और फिर आ जाएगा हमारा पावर आ गया, और ये ले लेते हैं ईयर, 1 साल में 1,07,000 बनेगा। सही है, सही। तो 1 साल में हमारा 1,07,000 बनेगा। कितना ज़्यादा बना हमारा, यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, दिस माइनस दिस करते हैं, तो ये हमारा 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा बन गया हमारा। सही है, अब मैं ले लेता हूँ क्या, ये हो गया हमारा फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पर FD आएगा, FC गलती से लिख दिया, FD आएगा। अब मेरे को अगर देखना है कि भाई मैं कैसे ज़्यादा इंटरेस्ट बना सकता हूँ, किस तरह से मैं बना सकता हूँ एक्स्ट्रा, तो मैं आपको यहाँ गूगल में थोड़ा लेके चलता हूँ। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर हम निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी हमें कितना CAGR रिटर्न देते हुए आ रहा है, 14.2% के आसपास एनुअलाइज रिटर्न जो है, एक CAGR रिटर्न जिसे हम बोलते हैं, ये हमें कितना मिल जाता है निफ्टी का, 14.2% के आसपास। ओके, तो मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पर फिर मैं ले लेता हूँ 1 साल के लिए। मेरे को अगर निफ्टी का देखना है, निफ्टी में ETF की बात कर लेता हूँ, ETF का रिटर्न भी सेम रहेगा। सही है, अगर हम निफ्टी ETF में डालते हैं, फ्यूचर में तो नहीं कर सकते हम अपनी पोजीशन FD की तरह, फ्यूचर को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम ETF को जरूर यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ETF का CAGR रिटर्न देख लेते हैं। सही है, तो ये ETF का CAGR रिटर्न भी यहाँ देखिए करीब 15% के आसपास हमें दिख रहा है। सही है, तो हम सही है, यहाँ पे 15% दिख रहा है, तो हम इसे 15% के आसपास ले लेंगे। सही है, तो निफ्टी का जो रिटर्न हो गया वो हमारा 15% के आसपास हो गया। हम थोड़ा सा कमी रखते हैं, 14% के आसपास ले लेते हैं, और अमाउंट हम लेते हैं यही सेम अमाउंट ले लेते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपीज़ में देखें कितना रिटर्न हमें मिला है। सही है, यहाँ निफ्टी ETF में हम 1 लाख रुपीज़ के पीछे देख लेंगे कितना रिटर्न हमें मिला है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय हमारा कितना हो गया,
1.14, फिर आ जाएगा पावर, तो हमारा कितना हो गया 1,14,000। अब कितना ज़्यादा हुआ है इसे यहाँ से ले लेते हैं, ये हमें बता देगा 14,000 हमने इंटरेस्ट निकाला, मतलब 14,000 हमारा प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट मत समझिएगा यहाँ पे, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 14,000 का। अगर हम 1 लाख रुपीज़ डालते हैं तो 1,14,000 बनेगा एक साल में, सही है। अभी ये समझिए, अब मैं आपको बैंक निफ्टी ETF का भी रिटर्न दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी ETF का क्या रिटर्न होता है उसे भी समझिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो प्रॉपर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये आ गया बैंक निफ्टी ETF का रिटर्न, ये आ गया बैंक निफ्टी ETF का रिटर्न कितना है 17.6 के आसपास समथिंग कुछ रिटर्न है इसका बैंक निफ्टी ETF का, सही है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ हम चले जाते हैं, एक साल का ही हमने चेक करना है, हम बैंक 20 का देख लेंगे, बैंक 20 का रिटर्न भी हमें इसके आसपास मिल जाएगा करीब, सही है। CAGR रिटर्न हमारा कितने 18% के आसपास हमें मिल जाएगा, 1 लाख रुपीज़ के पीछे हमने चेक करना है, यहाँ यहाँ भी हम यही फॉर्मूला ले लेंगे, बस इसमें अंदर जाके हमें क्या करना है, इसे हिट कर लेना है, सही है। ये आ गया कितना हो गया 1,18,000, 1 लाख पे हम साल का 18% एवरेज रिटर्न निकालेंगे। जरूरी नहीं है कि आज हम कोई बैंक निफ्टी का ETF बाय करते हैं तो हमें हर साल वो कंटिन्यूस बेसिस पे 18% देते आएगा, 18% हर साल का नहीं देगा, ये जो है ये एवरेज रिटर्न जिसे हम बोलते हैं कि भाई एवरेज रिटर्न, कभी वो 12% चला, कभी 15 चला, कभी 50% चल गया एक ही साल में, कभी 2% चला, कभी माइनस भी रहा, तो एक एवरेज रिटर्न जो है हमें 18% के आसपास बैंक निफ्टी निकाल के देता है, ये आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, एक मैं और तरीका आपको और बताऊंगा, सही। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 18% हम बैंक निफ्टी ETF में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 18% बना सकते हैं। लेकिन अब सबसे मेन क्या बात आती है इसे समझिए, सबसे मेन बात आती है कि इन्फ्लेशन तो हमारा 6% से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हमारा 6% से बढ़ रहा है और हमें FD में 7% मिल रहा है, बैंक निफ्टी ETF में 14% के आसपास, बैंक निफ्टी ETF में हमें मिल जाता है 18% के आसपास मिल जाता है, तो हम कितना एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, हम कितना बीट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, कितना बीट कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो मैं इन्फ्लेशन से कितना एक्स्ट्रा ले रहा हूँ बैंक निफ्टी FD में, अगर मैं करता हूँ तो 1% में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ इन्फ्लेशन से, 1% 7% मेरे को FD दे रहा है, 6% इन्फ्लेशन है, तो मेरे को तो 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। और यहाँ मैं अगर देखा ऐसे ही मैं अगर निफ्टी का देख लेता हूँ, निफ्टी ETF का, तो यहाँ पर 14% हमें निफ्टी ETF रिटर्न निकाल के दे रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन हमारा 6% के आसपास है, तो दिस माइनस दिस करते हैं तो हमारे को कितना आता है 8% के आसपास, सही है। ऐसे ही अगर मैं इधर करता हूँ तो 12% के आसपास, मतलब इन्फ्लेशन को मैं कितने परसेंट से बीट कर रहा हूँ मेरे को ये देखना है कि भाई मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ देखा क्या कि FDs के केस में तो मेरे को 1% ही रिटर्न मिल रहा है, एक्स्ट्रा जो मिल रहा है 1% ही मिल रहा है, और निफ्टी ETF में अगर मैं डालता हूँ तो इन्फ्लेशन को बीट करके अगर मैं देखता हूँ तो आफ्टर इन्फ्लेशन तो 8% के आसपास मेरे को रिटर्न मिल रहा है, और यहाँ पर मेरे को 12% के आसपास ही मिल रहा है, सही है। ये एक साल का हो गया, लेकिन हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं FD भी करते हैं तो 5 साल 10 साल के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और जब हम ETF खरीदेंगे या फिर हम बैंक 20 के ETF खरीदेंगे तो भी हमने लॉन्ग टर्म के लिए करना है, जब हम किसी स्टॉक्स में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे भी हम लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही है, वहाँ भी हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा 34% कैसे आप निकाल सकते हो, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा, थोड़ा सा बने रहिएगा वीडियो में, सही है। ये हमारा क्या आ गया, तो अब हमने एक्स्ट्रा कितना कमाया मेरे को ये देखना है। तो FD में अगर मैं यहाँ जाता हूँ, अच्छा पहले मैं इसे थोड़ा सा पीरियड ज़्यादा ले लेता हूँ, 10 ईयर्स ले लेता हूँ, 10 साल के लिए अगर हम करते हैं FD तो कितना रिटर्न हमें मिलेगा ये हमें पता चल जाएगा, सही है। थोड़ा सा पीरियड अगर ज़्यादा लेंगे इसमें हम, ईयर्स जो हमारा इन्वेस्टमेंट का टाइम होरिजन अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो कितना रिटर्न रहेगा ये हमें सामने दिखे। अब ये हमें क्या बता रहा है कि भाई इन्फ्लेशन के हिसाब से हमें कम 79,000 निकालना है अगर हम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल के बाद, तो सही है। और यहाँ पर कितना हो रहा है अगर हम FD देखते हैं तो 96,000 एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, तो इन्फ्लेशन से कितना एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं वो हमने चेक करना है। तो यहाँ पर हम 1% ले लेंगे, हम यहाँ पर इन्फ्लेशन माइनस कर लेंगे, 7% हमें FD दे रहा है, इन्फ्लेशन हमारा 6% है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो रिटर्न FD में मिलेगा आफ्टर इन्फ्लेशन ये हो जाएगा, सही है। आफ्टर इन्फ्लेशन रिटर्न हमारा ये हो जाएगा, मैं इसे इधर ले लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, 2 मिनट दीजिए मेरे को, मैं इसे
7% ही करता हूँ, और इस अमाउंट को मैं ले लेता हूँ, इस फिगर को यहाँ पर। तो देखिए मैंने ये जो अमाउंट था ये इधर ले लिया, सही है। ये अब जो मैं निकालूंगा यहाँ पर वो निकालूंगा आफ्टर इन्फ्लेशन। आफ्टर इन्फ्लेशन हमें कितना मिला है ये हमने चेक करना है। आफ्टर इन्फ्लेशन हमारे को क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम चेक करना है। तो ये तो इन्फ्लेशन की वैल्यू आ गई भाई, हमारा 10 साल का अगर हम देखते हैं तो 1 लाख का 1,79,000 हो जाता है इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई इतनी बढ़ जाती है, सही है। अब मेरे को यहाँ पर चेक करना है 1%, मैं एक्स्ट्रा तो 1% ही ले रहा हूँ ना, मैं इन्फ्लेशन को अगर FD करता हूँ तो केवल 1% ही एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा 10 साल में, सही है। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाता है 8%, सही है, सही लिया मैंने, 1.08 होगा यहाँ ना, 1.08 से यहाँ आ गया, 1.08 कर दिया मैंने, 8% मेरे को मिल रहा है आफ्टर इन्फ्लेशन अगर मैं देखता हूँ, और यहाँ पर मेरे को कितना मिल रहा है 12% के आसपास, तो मैं यहाँ 12 कर देता हूँ से। तो अब सामने आपके देखिए यहाँ पर ये फिगर निकल के आ गई हैं, ये हमें क्या बता रही हैं कि इन्फ्लेशन 10 साल में 1 लाख रुपये अगर हमारे पास हैं तो वो कम से कम हमें इतने तो करने हैं, अगर हमने इन्फ्लेशन को बीट करना है, बीट तो नहीं कर पाएंगे, इन्फ्लेशन के बराबर अगर हम निकालते हैं तो हमारा 1 लाख का 1,79,000, इतनी स्पीड से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये 10 साल का मैंने 6% एक एवरेज इन्फ्लेशन लिया है, सही है। और अगर हम FD करते हैं तो एक हमारा क्या बनता है 1,10,000, हमें 10,000 ही एक्स्ट्रा मिल रहा है बस, कितना मिल रहा है 10,000 एक्स्ट्रा अगर हम FD करते हैं एक साल में, इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, लेकिन कितना कर रहे हैं 10,000 से ही बीट कर पा रहे हैं। और यहाँ पे कितना बन रहा है हमारा 1,15,000 के आसपास करीब हमें मिल रहा है, और यहाँ पर कितना बन रहा है 2,10,000 के आसपास हमारा बन रहा है, मतलब 1 लाख जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू हो जा रही है 3,15,000, 3,10,000 के आसपास, तो 2,10,000 हम यहाँ पे बना पा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन को हमें अगर बीट करना है तो या तो हमें ETF में डालना पड़ेगा, लेकिन टाइम होरिजन बड़ा रखना है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर हम सोचेंगे हमें 2-3 साल के अंदर ही ETF बहुत अच्छा पैसा बना के दे देगा तो नहीं बनाएगा, वो बड़े करेक्शन के बाद बना के दे देता है, जैसा 2020 में करेक्शन था। लेकिन नॉर्मल अगर हम CAGR की बात करेंगे 5-10 साल के लिए, तो उस केस में हमारे को FD केवल इतना बना के देती है, 1 लाख रुपए की FD हमें 10,000 का ही बेनिफिट देती है आफ्टर इन्फ्लेशन, और 1 लाख का अगर हम ETF निकालते हैं तो इतना देता है हमें 1,15,000 बना के, और अगर हम बैंक 20 ETF में डालते हैं तो वहां पर हमें 2,10,000 के आसपास बन जाता है। ये पुराना डेटा मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, सही है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे हम 34% CAGR रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर 18% है तो हम 34% कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्टॉक का नाम भी अभी मैं बताऊँगा आपको, सही है, यहाँ आ जाओ। मैंने क्या करा 34 कर लिया, रिटर्न निकाल लेता हूँ, फिर स्टॉक का नाम आपको बाद में बताऊँगा, सही है। अभी हम आ जाते हैं ये, इसे मैं इधर ले लेता हूँ, कितना रिटर्न मेरे को चाहिए 34%, ये आ गया 34% से, कितना एक्स्ट्रा बन रहा है ये भी यहाँ पर आ गया अमाउंट, सही है। अब मैं इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट करता हूँ 34% से तो कितना होगा 28 के आसपास, तो मैं यहाँ पर ये फिगर भी ले लेता हूँ, सही है, यहाँ पर मैं कर लूँगा कितना 28, सही है, 28 ही करा मैंने, 28 करना है मुझे, ओके 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख। अभी आप ये देखो स्टॉक का नाम भी अभी बता रहा हूँ मैं आपको, 2 मिनट बने रहिएगा। अगर मैं 1 लाख रुपए डालता हूँ 10 साल के बाद मेरी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 लाख का 11 लाख रुपीस के आसपास, सामने आपको दिख रहा है 28% से CAGR रिटर्न निकालता हूँ इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद, सही है। और अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ CAGR रिटर्न, ये किसने दिया है इतना रिटर्न, और आप और जैसे कि आप लोग जानते हैं 2008 से मेरे पास ये स्टॉक है, ICICI बैंक हैज डिलीवर्ड 34% अर्निंग CAGR, कितना रिटर्न दिया 34% का CAGR रिटर्न ICICI बैंक ने दिया है, सही है ये, सही। तो इस तरह से आप कोई भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाली कंपनीज जो होती हैं उनके CAGR रिटर्न चेक कर सकते हैं,
और उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, एक ही कंपनी में सारा पैसा नहीं डालना है। ग्रोथ वाली अच्छी कंपनीज अगर पकड़ते हैं और लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलते हैं तो आपको ये एफडी में क्या है, 1% मिल रहा है। अगर हम इन्फ्लेशन को हटा देते हैं तो 1% ही तो हमें मिल रहा है एफडी में, तो हम जब ETF में निकाल सकते हैं। यहाँ पर ETF में करिए बनना, आपको यहाँ पर कम से कम कितना 13-14% तो मिल रहा है, यहाँ पर 17-18% तो मिल रहा है। बैंक बीज में हमें 17-18% के आसपास मिल जाता है, निफ्टी ETF में हम करते हैं तो 13-14% के आसपास मिल जाता है। तो हम एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि शॉर्ट टर्म व्यू लेके नहीं करना है कि हम महीने भर, 2 महीने, 5 महीने, साल भर के लिए करें। हमें इसमें होराइजन जो रखना है वो लंबा रखना है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा व्यू लेके रखना है कि भाई हमें खरीदते जाना है धीरे धीरे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे को क्या बेनिफिट रहता है। ओके, धन्यवाद।